प्लेटफॉर्म। आज मैं मैथ पर चर्चा करने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है और आप देख सकते हैं यहां पर पांच सवाल मैं दिया हूं। पांचों सवाल एसएससी और एलवी में पूछा गया है। अब देखिए पांचों सवाल को हम लोग सेकेंडों में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इस टाइप का सवाल रेलवे एसएससी में पूछा ही जाता है और हम लोग इसे सेकेंडों में सॉल्व करना ऑप्शन से भी सीखेंगे और प्रोसेस से भी सीखेंगे। पहला सवाल है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 54 है, तो इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें। तो सवाल को पुनः समझा जाए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 54 है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। अब यहां देखिए, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 54 है, तो 54 में तीन संख्याओं का योगफल है तो तीन से भाग कर दूंगा तो 18 हो गया, बीच वाला संख्या 18 हो गया। अब यहां पर ध्यान देना है, तीन क्रमागत सम संख्या यानी तीनों सम संख्या है, तो बीच वाली सम संख्या 18 हो गया, तीन सम संख्या है तो एक ठीक बाद होगा, एक ठीक पहले होगा, अगली सम संख्या 20 होगा, पहली वाली सम संख्या 16 हो जाएगा। यह पूछ रहा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो 16 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, 16, ऑप्शन डी। इस तरह से आपने देखा इसे 5 से 10 सेकेंड के भीतर सॉल्व हो गया। ये सवाल आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2001 में पूछा गया है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि सात क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 140 है तो इनमें सबसे बड़ा सम पूर्णांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, यहां पर दिया यदि सात क्रमिक सम संख्याओं का योगफल 140 है, 140, अब 140 यहां पर लिख दिया, कितनी संख्या है, सात संख्या है, योगफल में कुल संख्या से भाग कर दूंगा तो उसका औसत निकलता है। योगफल में अगर मैं कुल संख्या से भाग कर दूंगा तो उसका औसत निकलता है, और हम जानते हैं कि औसत जो होता है ठीक बीच वाली संख्या होता है। अब देखिए 140 में सात संख्या सात से भाग कर दिया तो 20 हो गया, आपका बीच वाला संख्या 20 हो गया, सात क्रमिक सम संख्या है तो इसका मतलब तीन बाद में होगा, 1 2 3, तीन पहले होगा, 1 2 3, तो देखिए 20 जो हो गया ठीक बीच वाली हो गया, उसके पहले तीन सम संख्या होगा, तीन बाद में होगा, इसके ठीक अगली सम संख्या 22 हो गया, ठीक अगली 24 26, पहली 18 16 और 14, क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा सम पूर्णांक, सबसे बड़ा 26 हो गया। इसी में पूछता सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का अंतर, पूछता तो अंतर कर लेता, योगफल पूछता तो योगफल कर लेता, कहता दूसरी और पांचवी का योगफल पूछता, दोनों को जोड़ देता। इस तरह से आप इसका आंसर 16C हो गया। ये भी सवाल आपका RRB महेंद्रू घाट 2001 में पूछा गया है। अगला सवाल है मित्रों, सात क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा। सवाल को पुनः देखा जाए, यहां सम वाली था, यहां पर विषम वाली आ गया है। सात क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है तो न्यूनतम विषम पूर्णांक क्या होगा, न्यूनतम विषम पूर्णांक ज्ञात करें। तो क्या करना होगा, मैं क्या बताया था, योगफल में कुल संख्या से भाग कर देना है। योगफल में जब कुल संख्या से भाग करोगे तो ठीक बीच वाली संख्या आएगी, ठीक बीच वाली संख्या जो होगी वो औसत होती है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर 133 है, 133 में आप 7 से भाग करो तो 19 हो गया, 19 ठीक बीच वाली संख्या हो गया, कितना संख्या है, सात संख्या है तो तीन संख्या, 1 2 3 बाद में होगा, 1 2 3 पहले होगा। अब देखिए 19 का अगला विषम संख्या 21 23 25, पिछला हो जाएगा 17 15 और 13, क्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक, न्यूनतम विषम पूर्णांक 13 हो गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ये आपका RRB कलकत्ता ASM असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और स्पोर्ट्स गार्ड में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 87 है, योगफल 87 है, कुल तीन संख्या तीन से भाग कर दिया, 29 हो गया, 29 बीच वाली संख्या हो गया, एक बाद में होगा एक पहले होगा, 31 और 27,
क्या पूछ रहा है? तो सबसे छोटी पूर्णांक 27, 27 डी ऑप्शन हो गया आंसर। ये भी सवाल आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 2001 में पूछा गया है। अगला सवाल है पांचवा, यदि किन्हीं तीन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? अब यहां पर देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूं योगफल में 147 में आप 3 से भाग करो तो 49 हो गया। 49 बीच वाली संख्या, एक पहले एक बाद में होगा, 51 और 47 क्या पूछ रहा है? ठीक बीच वाली 49 ही हो गया। इस तरह से आप इसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। अब पुनः मैं अगले सेगमेंट में फिर चर्चा करूंगा।